दिल्ली से अब खबर की बात करेंगे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। केंद्र सरकार के बजट पर बोले सुभाष बराला, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सुभाष बराला की तरफ से कहा गया है, बजट में किसान मजदूर पर फोकस किया गया। देश तेज गति से आगे बढ़ेगा, इससे किसान को अच्छी फसल के दाम मिल रहे हैं। मोदी जी ने फसलों का दाम बढ़ाकर दिया, विपक्ष को गहराई के अंदर जाना चाहिए, ये सुभाष बराला ने कहा। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद सुभाष बराला जी। सर, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का यह बजट था, पहला बजट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का, सातवां बजट, किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि विपक्ष तो जमकर आलोचना कर रहा है, लेकिन इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस बजट के बारे में अगर मोटे तौर पर बात करूं तो निश्चित रूप से देश का जो चहुंमुखी विकास जिसको कह सकते हैं, उस रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, उस रास्ते पर तेज गति के साथ देश आगे बढ़े। और देश के मुख्य रूप से चार जो वर्ग हैं, जिसमें युवा है, महिला है, गरीब और किसान, इन चारों की अलग अलग अगर इस बजट में व्याख्या करें, जो इनके लिए काम करने का आगे संकल्प दोहराया गया है, या मोटे तौर पे कहें जिसके लिए पैसा निर्धारित किया गया है, तो वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं किसान की बात करूं, किसान के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए खेती के लिए इस बजट के अंदर प्रस्ताव इसमें किया गया है। और उसमें भी खास करके, जैसे काफी समय से विपक्ष के लोग भी उस बात के ऊपर उंगली उठाते रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे, लेकिन वास्तव में किसान की आमदनी दुगनी हो, इस बात के सार्थक प्रयास हुए हैं, उनके परिणाम निकल करके आए हैं। अगर मैं मोटे तौर पे आपको एक उदाहरण दे करके बताऊं, हमारी सरकार आने से लेकर के अब तक जो फसलों के दामों में वृद्धि हुई है, 1.5 गुना से लेकर के 2.75 गुना के आसपास की वृद्धि हुई है, और उसमें भी खास करके जो दलहन और तिलहन है उसके रेट कितने बढ़े हैं, 2.5 गुना से ज्यादा उसके रेट बढ़े, उसके कारण से इतना रेट भी बढ़ा। और हम देख रहे हैं कि दाल और के इनके रेट भी नहीं बढ़े हैं बाजार के अंदर, उपभोक्ता को भी ज्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा, किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। कारण यह है कि जब किसान को फसल के विविधीकरण की बात आई तो मोदी जी ने फसलों का रेट बढ़ा करके दिया, किसानों ने विविधीकरण के नाते दलहन और तिलहन के ऊपर ध्यान दिया, उनको अच्छा भाव मिला, और अच्छा भाव मिला तो उनका उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो किसान को तो लाभ मिल गया, उपभोक्ता को भी ज्यादा पैसा जेब से नहीं खर्च करना पड़ा, ये हमने देखा है इन 10 सालों के अंदर। अगर मैं अगली बात करूं किसान के भले के लिए, भंडारण की उचित व्यवस्था, इसके लिए चाहे वो भंडारण अनाज का है या फिर सब्जियों का है, दोनों के लिए ही इसके अंदर प्रावधान किया गया है, और एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन चीजों के ऊपर फोकस होने के कारण से किसान जो नगदी फसलें हैं या सब्जी है, फल है, उनके उत्पादन के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ेगी, किसान ज्यादा इसका उत्पादन करेगा। और हमारे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, खास करके हरियाणा के लिए इसमें बहुत फायदे की चीज मुझे दिखाई दे रही है। यही बात आपसे आगे से बढ़ाना चाहूंगा। आप किसानों की बात कर रहे हो, आप यहाँ पर भंडारण की बात कर रहे हो, भंडारण जब बात आती है तो दिल्ली एनसीआर पूरा ही हो गया, हरियाणा भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, किसान भी हो गया। लेकिन जब अभी आपसे पहले हम कुछ ने विपक्ष के कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, कांग्रेस के सांसदों से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे हरियाणा नाम का शब्द भी नहीं था इसमें, वो ढूंढते रह गए इस पूरे बजट के दौरान। तो हरियाणा से लेकर अगर बात करें, कैसे बेहतर है, इस भंडारण की भी बात करें और किसानों को लेकर? देखिए, इसमें देखिए, मैं अगर पहले मैं विपक्ष की जो बात का जवाब देता हूँ, देखिए किस प्रकार से किसान को बढ़ावा दिया है, खेती को बढ़ावा दिया है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान रहता है कि नहीं रहता है, किसान के हर घर के अंदर लाभ 10 साल की पीछे की हमारी नीति और ये बजट इसके कारण से हो रहा है। इसी प्रकार से
उद्योगिक क्षेत्र को जो प्रोत्साहन दिया गया, एमएसएमई को जो प्रोत्साहन दिया गया है, और नए स्टार्टअप, इसके ऊपर जो फोकस किया गया है, इसमें मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इस देश के अंदर लाभ होगा। इन दोनों ही विषयों के अगर हम बात करें तो हरियाणा के आमजन को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को होगा, हरियाणा के हमारे छोटा जो उद्योग शुरू करने वाला है, स्टार्टअप करने वाला, उन लोगों को होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष को ये बातें दिखाई देती नहीं है, विपक्ष को गहराई के अंदर जाना चाहिए। एक एक जो चीज इसके अंदर बोली गई है, हरियाणा के प्रत्येक नागरिक का लाभ उसके अंदर निहित है। मैं किसान की बात जैसे कर रहा था, हमारा सौभाग्य है कि हम बिल्कुल एनसीआर क्षेत्र में हमारा हरियाणा का बड़ा हिस्सा आता है, और मैं पिछले कुछ सालों में जब मेरे पास हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन की जिम्मेवारी थी, मैं किसानों के बीच में गया। हमारा किसान तो ये कहता है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से एफपीओ वगैरह बना करके किसानों को प्रोत्साहन दिया, इसके कारण से हमारी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। ये दो गुना की बात तो वो लोग करते हैं ना, विपक्ष के लोग, मैं कहता हूँ उससे भी कई गुना जाकर के आमदनी बढ़ी है। और हमारे किसान को तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से भंडारण की क्षमता उसकी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और कृषि का क्लस्टर बनाने की जो बात करें, उसके कारण से हमारे किसान को खूब लाभ मिलेगा, ये बात मैं दावे के साथ। आप कहते हो कि भविष्य का बजट है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी और भविष्य को देख करके भी है। और बजट तो वही होता है जो वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा करे और भविष्य की जो हमारी कल्पनाएं हैं उनको साकार करने के वाला हो। तो भले ही विपक्ष ने कई प्रश्न उठाए हों, इस बजट को अगर निराशा वाला बताया हो, लेकिन अगर हम बात करें, सांसद सुभाष बराला जी का कहना है कि ये भविष्य का भी और वर्तमान का भी है, ताकि कैसे बेहतर हो, चाहे वो भंडारण की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, कहना